स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बॉम्बे हाईकोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया तबलीगी जमात को लेकर, जिसमें तबलीगी जमात के लोगों पर हुई एफआईआर को कोर्ट ने रद्द किया और साथ ही साथ गोदी मीडिया को फटकार भी लगाई। गोदी मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया और कहा कि इन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था और उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद से गोदी मीडिया को लेकर लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं और गोदी मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके एंकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब हाल ही में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि किस तरह से गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया, अपनी डिबेट्स का स्तर गिराया और उस पर हेडलाइंस किस तरह से चलाई जिससे समाज में एक नफरत का माहौल पैदा हुआ और कई ऐसी तस्वीरें उस टीवी मीडिया की वजह से निकलकर सामने आई देश से, जहां अलग अलग जगहों पर लोगों को पीटा गया, सब्जी वालों को परेशान किया गया सिर्फ पहचान की वजह से। और उसी दौरान फेक न्यूज़ भी फैलाई गई कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोग झूठी चीज़ें, झूठी सब्जियां या फल बेच रहे हैं जिससे कोरोना बढ़ जाए। अबू आसिम आजमी के इस स्टेटमेंट के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह पर गोदी मीडिया की तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया के जितने भी बड़े एंकर हैं जो लगातार 9 बजे प्राइम टाइम शो लाते हैं, अलग अलग उनके शो हैं जिसमें वो जहर उगलते हैं, उन सब की तस्वीरों के साथ जूता छापा और जूतों के साथ उनकी तस्वीरें बैनर पर छापकर विरोध प्रदर्शन जताया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश, ये पेज है नाम, और इस पेज से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये है रही। तबलीगी जमात केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से साबित होता है कि बिकाऊ मीडिया ने कोरोना के चलते मोदी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया और दिन रात टेलीविजन और सोशल मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख श्री अबू आसिम आजमी साहब के आदेश पर ऐसी बिकाऊ और दलाल मीडिया के खिलाफ चांदीवली, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मुंबई, लातूर, धुलिया, बीड, इन जगहों पर जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ। और जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये तस्वीरें वही की है। कई जगह पर गोदी मीडिया के पत्रकारों का पुतला दहन हुआ और पुतला जलाकर विरोध जताया। पोस्टर आप देख सकते हैं, पोस्टर में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं उससे गोदी मीडिया को फिर से शर्मसार होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये पोस्टर आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा हुआ देख रहे हैं कि मोदी के दलालों को लाल मीडिया मुर्दाबाद, और इसमें लगभग तकरीबन जितने भी बड़े एंकर जो मुख्यधारा मीडिया के हैं जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं उनकी तस्वीरें हैं और उस पर चप्पलों की मालाएं लोग चढ़ा रहे हैं, चप्पलों के साथ फ़ोटो, जूतों के साथ फ़ोटो इस बैनर पर आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। और ये एक जगह नहीं है, कई महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में, शहरों में ये प्रदर्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी के बैनर तले इस प्रदर्शन को बताया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी जो आर भारत के पत्रकार हैं उनका किस तरीके से पुतला इन्होंने बनाया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें मुंबई ज़िले के भिवंडी, नागपुर और हिंगोली में बिकाऊ मीडिया और बहिष्कार आंदोलन तबलीगी जमात के नाम पर जो कोरोना काल में नफरत फैला रहा था उसके खिलाफ हैं इन शहरों से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वही चेहरे जो आपको 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग चैनल पर आपको नज़र आएंगे और उनका प्रोपेगेंडा भी आपको नज़र आएगा। उनकी हेडलाइंस में कोरोना बम और किस तरह से कोरोना जहाद और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने अपनी हेडलाइंस पर चलाई थी। और उसी के विरोध में महाराष्ट्र में ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकलकर सामने आए हैं। आपको तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने थी, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से पोस्टर और बैनर के जरिए उन पत्रकारों की तस्वीरें जूतों के साथ छापी गईं और विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। आपको बता दें कि जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि तबलीगी जमात
के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है और फेक प्रोपेगेंडा टेलीविजन पर चलाया गया है, मीडिया द्वारा चलाया गया है, फटकार लगाई मीडिया को, उसके बाद से ही लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार गोदी मीडिया विरोध का सामना कर चुकी है हर एक मामले में। फेक, जैसे पहले होता था कि मीडिया का काम होता था कि वो फेक न्यूज़ को फैक्ट चेक करके सही सच्चाई जो देश के सामने लाती थी, लेकिन अब लोग सच्चाई देश के सामने लाते हैं और गोदी मीडिया का झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। आपको बताते हैं कि एक बड़ी चीज़ इसमें ये भी है कि जिस तरह से पहली FIR जब तबलीगी जमात पर हुई थी तो वो दिल्ली में हुई थी और अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर देश से माफ़ी मांगे कि क्यों उन्होंने FIR कराने की परमिशन दी और इस तरह से बदनाम कराने में उनका भी हाथ था, क्योंकि जब दिल्ली के आंकड़े कोरोना को लेकर सामने आते थे तो तबलीगी जमात का आंकड़ा अलग से बताया जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो लोग याद कर रहे हैं कि क्यों कैटेगराइज करके ये लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही थी जिससे लोगों में नफरत बढ़े, और वो ऐसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार अपने आंकड़ों में दिखाने की कोशिश की। तबलीगी जमात के लोगों को कितना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं, उनका आंकड़ा दिल्ली से अलग दिखाया गया था और इसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो समाजवादी पार्टी के पेज पर ये लिखा हुआ है कि अबू आसिम आजमी की कहने पर, आह्वान पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि अबू आसिम आजमी ने इस फैसले के बाद क्या कुछ कहा था, वो एक सुन लीजिए आप। वो मोदी जी का बीजेपी के तलवे चाटने वाले मीडिया के लोग 24 घंटे तबलीगी जमात सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात को इतना इन्होंने बदनाम किया कि लोग तबलीगी जमात और मुसलमानों की शक्ल से इस मुल्क में नफरत करने लग गए। कई जगहों पर फसादात हुए, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, दुकानें लूट ली गई, महलों में सब्जी बेचने वालों को भगाया गया कि ये मुसलमान लोग हैं इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। ये जलील कमीने किस्म के मीडिया वाले हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल की है, जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है ये मीडिया के लोग चंद सिक्कों पर जिस तरह से कुत्ता उसके पीछे सामने एक रोटी डाल दो, गोश्त का टुकड़ा रख दो तो दुम हिलाता उसके पीछे पीछे भागता है, इसी तरह से आज मैक्सिमम मीडिया के लोग तलवे चाट करके मोदी जी का जो मंसूबा है उसे कामयाब करने के लिए हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने में लगे। कोर्ट का फैसला आ गया कि तबलीगी जमात को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, तबलीगी जमात ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना इस युग में फैले। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो लोग इस देश में की तरक्की, इस देश का डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो लोग गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ऐसे मीडिया वाले और ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी ज़हनियत कमीने कुत्तों जैसी है, इनके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। तो ये सिर्फ अबू आसिम आजमी का कहना नहीं है बल्कि इसके अलावा कई वकील जो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, जो अलग अलग एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नेता हैं, वो सब लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने भी, चाहे वो मीडिया के पर्सन हो या फिर दूसरे राजनेता हो या अलग लोग हों, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी, उनको अब सार्वजनिक तौर पर देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये गुहार लगानी चाहिए माफ़ी मांगकर कि वो गलत थे, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं और बहुत सी जगह ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहरहाल गोदी मीडिया एक्सपोज हो चुका है और फिर उसे शर्मसार होना पड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ऐसा आकर सामने माफ़ी नहीं मांगी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। शुक्रिया।